ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल दूध और बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में अर्धनारीश्वर के रूप में होती है और उन पर बेलपत्र अर्पण किया जाता है और जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। क्या आपने इसके पीछे का कारण जाना है कि क्यों शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है? इसके पीछे जो कारण है वो पुराणों में एक प्रसंग है। हम सब जानते हैं कि एक बार देवताओं और दानवों ने सागर मंथन किया था जिसमें अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की चीज़ें निकलने लगी। उसी सागर मंथन में हलाहल नाम का विष भी निकला और उससे समस्त जगत विनाश की तरफ बढ़ने लगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इस विष को और विष के जानलेवा प्रभाव को रोक सके। तब भोले बाबा ही अकेले ऐसे थे जिनके सामने विष का प्रभाव समाप्त हो सकता है। भोले भंडारी ने संपूर्ण विष को पी लिया और वह विष उनके कंठ में रह गया। इससे शिव जी का जो कंठ है वो नीला हो गया और उन्हें उनके भक्तों ने नीलकंठ महादेव का नाम दिया। विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया और वे व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने उनके सर पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया और इससे शिव जी को थोड़ा सा आराम प्राप्त हुआ। शिव जी के सर की गर्मी तो दूर हो चुकी थी पर कंठ में जलन अभी भी हो रही थी उस विष के प्रभाव से। तब देवताओं ने बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू किया। बेलपत्र विष के प्रभाव को खत्म करता है। इस तरह नीलकंठ महादेव को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। यह दोनों उस विष के दुष्प्रभाव को खत्म करने के बाद शांति देने वाले हैं। अभी शिवरात्रि में भी एक प्रसंग है कि शिव जी को क्यों बेलपत्र चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि के रात एक भील अपने घर नहीं जा सका और वह एक बेल के पेड़ पर ही रात बिताया। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग होता है। रात भर सोते जागते उसके हाथों से बार बार पूरी रात बिलो पत्र गिरते रहे और शिवलिंग पर चढ़ते रहे। सुबह जब वो जगता है तो शिव जी प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं। उसे बताते हैं कि किस तरह पूरी रात तुमने मुझे बिलो पत्र मतलब बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न किया। शिव जी उसके कल्याण का आशीष प्रदान करते हैं और तब से ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।